फ्रोजन 2013 फिल्म। डिज्नी एनिमेटेड फिल्म फ्रोजन 2013 की एक अमेरिकी एनिमेटेड संगीतमय फैंटेसी फिल्म है, जिसका निर्माण वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा किया गया है और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया है। हंस क्रिश्चियन एंडरसन की 1844 की परिकथा द स्नो क्वीन से प्रेरित होकर इसे क्रिस बक और जेनिफर ली अपनी पहली फीचर निर्देशन में द्वारा निर्देशित किया गया था और पीटर डेल विचो द्वारा निर्मित ली द्वारा लिखित पटकथा से, जिन्होंने बक और शेन मॉरिस के साथ फिल्म की कहानी भी लिखी थी। इस फिल्म में क्रिस्टन बेल, एडिना मेंजेल, जोनाथन ग्रॉफ, जोश गैद और सेंटिनो फोंटाना की आवाजें हैं। साथ ही एलन टुडिक, सियारन हिंस, मैया विल्सन, क्रिस विलियम्स, स्टीफन जे एंडरसन, पॉल ड्रिग्स, लिवी स्टुबेनराउच, ईवा बेला, मॉरिस लामाचे और ली सहायक भूमिकाओं में है। यह फिल्म अरेंडेल की राजकुमारी अन्ना पर आधारित है, जो अपनी अलग हो चुकी बहन एल्सा को खोजने के लिए आइसमैन क्रिस्टोफ, उसके हिरन स्वेन और स्नोमैन ओलाफ के साथ यात्रा पर निकलती है, जिसकी बर्फीली शक्तियों ने उनके राज्य को अनंत सर्दियों में फंसा दिया है। 2011 में कमीशन किए जाने से पहले फ्रोजन की कई कहानी बनाई गई थी। क्रिस्टोफ बेक को फिल्म के ऑर्केस्ट्रा स्कोर की रचना करने के लिए काम पर रखा गया था और रॉबर्ट लोपेज और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज ने गाने लिखे थे। द 19th ऑफ नवंबर 2013 को लॉस एंजल्स के एल कैपिटन थिएटर में अपने विश्व प्रीमियर के बाद फ्रोजन द 27th ऑफ नवंबर को अपनी सामान्य नाटकीय रिलीज हुई थी। फिल्म को इसके दृश्यों, पटकथा, विषयों, संगीत और आवाज अभिनय के लिए सराहा गया था और कुछ आलोचकों ने फ्रोजन को स्टूडियो के पुनर्जागरण युग के बाद से डिज्नी की सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म माना है। फ्रोजन ने कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार और 2 ग्रैमी पुरस्कार शामिल हैं। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस राजस्व में $1.280 बिलियन से अधिक की कमाई की और यह सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म थी। ये रिकॉर्ड तब तक कायम रहा जब तक कि अगस्त 2019 में द लानकिन के रीमेक ने इसे पार नहीं कर लिया। जनवरी 2015 तक इसकी ब्लू रे होम वीडियो बिक्री अमेरिका में सबसे आगे थी। फिल्म की लोकप्रियता ने एक फ्रेंचाइज को जन्म दिया, जिसमें 2015 में एक एनिमेटेड शॉर्ट, 2017 में एक एनिमेटेड फीचर और नवंबर 2019 में एक फीचर लेंथ सीक्वल फ्रोजन 2 शामिल है। अरेंडेल की राजकुमारी एल्सा के पास बर्फ और बर्फ की जादुई शक्तियां हैं। जब वह गलती से अपनी छोटी बहन अन्ना को अपने जादू से घायल कर देती है तो उनके माता पिता उन्हें ग्रैंड पब्बी के नेतृत्व में ट्रॉल्स की एक कॉलोनी में ले आते हैं। वह अन्ना की एल्सा के जादू की यादों को दूर करके उसे ठीक करता है। राजा और रानी तय करते हैं कि जब तक एल्सा अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना नहीं सीख जाती, तब तक वे महल के द्वार बंद कर देंगे और उसे अलग थलग कर देंगे। वर्षों के अलगाव के कारण बहनों के बीच दरार पैदा हो जाती है और जब वे वयस्क होती हैं, तो उनके माता पिता समुद्र में मारे जाते हैं। एल्सा के राज्याभिषेक के दिन महल के द्वार पहली बार जनता के लिए खुलते हैं। आने वाले गणमान्य व्यक्तियों में दक्षिणी द्वीपों के सुंदर राजकुमार हंस शामिल है। हंस अन्ना को प्रपोज करता है, लेकिन एल्सा गठबंधन पर आपत्ति जताती है और गुस्से में आकर घबराई हुई अदालत को अपनी शक्तियों का खुलासा कर देती है। वेसलटन के षड्यंत्रकारी ड्यूक द्वारा जादू टोना करने का आरोप लगाए जाने पर एल्सा उत्तरी पर्वत पर भाग जाती है और पहली बार स्वतंत्र महसूस करती है। वह एक बर्फ का महल बनाती है और एक साधु की तरह जीने का फैसला करती है, इस बात से अनजान कि उसके जादू ने अरेंडेल को एक अनंत सर्दी में डुबो दिया है। एना एल्सा को खोजने के लिए निकलती है, हंस को कमान सौंपती है। वह क्रिस्टोफ नामक एक हिममानव और उसके हिरन स्वेन से मिलती है और उन्हें उत्तरी पर्वत पर ले जाने के लिए मना लेती है। रास्ते में वे ओलाफ से मिलते हैं, जो एल्सा के जादू से बना एक जीवित हिममानव है। बर्फ के महल में अन्ना एल्सा को बताती है कि अरेंडेल का क्या हुआ। एल्सा के डर से वह अन्ना पर बर्फ से वार करती है, जिससे गलती से उसका दिल जम जाता है। हताशा में एल्सा एक विशाल बर्फ का राक्षस बनाती है और अन्ना को सुरक्षित रखने के लिए उसे महल से बाहर निकाल देती है। एना धीरे धीरे ठंड से मर रही है। क्रिस्टोफ उसे मदद के लिए ट्रोल्स के पास ले जाता है। ग्रैंड पब्बी कहते हैं कि केवल सच्चे प्यार का कार्य ही उसके दिल को पिघला सकता है। क्रिस्टोफ महल की ओर वापस भागता है ताकि हंस अन्ना को सच्चे प्यार का चुंबन दे सके। इस बीच हंस एल्सा को पकड़ लेता है। अन्ना को चूमने के बजाय वह कहता है कि वह अन्ना से शादी करके और फिर दोनों बहनों को मारकर अरेंडेल का शासक बनने की साजिश रच रहा है। बहनें भाग जाती हैं और ओलाफ अन्ना को क्रिस्टोफ से फिर से मिलाने में मदद करता है, जिसे उसने अन्ना से प्यार करने का अनुमान लगाया है। हंस एल्सा से भिड़ जाता है और कहता है कि उसने अन्ना को मार दिया है। एल्सा टूट जाती है, जिससे अचानक उसके द्वारा बनाया गया बर्फीला तूफान रुक जाता है। हंस को एल्सा को मारने वाला देखकर अन्ना क्रिस्टोफ द्वारा बचाए जाने के अपने मौके का त्याग करती है और एल्सा और हंस के बीच आ जाती है। वह जम जाती है, जिससे एल्सा तबाह हो जाती है। जैसे ही वह अपनी बहन को गले लगाती है, अन्ना धीरे धीरे पिघलती है। उसकी वीरता सच्चे प्यार का एक कार्य है। यह महसूस करते हुए कि प्यार उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने की कुंजी है, एल्सा सर्दी खत्म कर देती है।
हंस को राजद्रोह और हत्या के प्रयास के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और निर्वासित कर दिया जाता है। एल्सा क्रिस्टोफ को शाही बर्थ देने वाला नियुक्त करती है और वह और अन्ना एक दूसरे को चूमते हैं। बहनें अपने रिश्ते को सुधारती हैं और एल्सा वादा करती है कि वह फिर कभी महल के दरवाजे बंद नहीं करेगी। क्रिस्टन बेल अन्ना के रूप में अरेंडेल की एक निडर और आशावादी 18 वर्षीय राजकुमारी और एल्सा की छोटी बहन जो अपने राज्य और अपनी बहन के साथ अपने रिश्ते को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लिवी स्टुबेनराज 5 वर्षीय अन्ना के रूप में, केटी लोपेज ने उसे गायन की आवाज दी। अगाथा लिमोन 9 वर्षीय अन्ना के रूप में, एडिना मेंजेल एल्सा के रूप में, जिसे स्नो क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, अरेंडेल की 21 वर्षीय रानी और अन्ना की बड़ी बहन जिसके पास जादुई बर्फ की शक्तियां हैं। ईवा बेला 8 वर्षीय एल्सा के रूप में, स्पेंसर लेसी गनस 12 वर्षीय एल्सा के रूप में, जोनाथन ग्रॉफ क्रिस्टोफ के रूप में, एक हिममानव जिसके साथ स्वेन नामक एक हिरन रहता है, टायरी ब्राउन 8 वर्षीय क्रिस्टोफ के रूप में, जोश गैद ओलाफ के रूप में, एक संवेदनशील कॉमिक रिलीफ स्नोमैन जिसे एल्सा और अन्ना ने बचपन में बनाया था, जो गर्मियों का अनुभव करने का सपना देखता है, सेंटिनो फोंटाना दक्षिणी द्वीपों के एक राजकुमार हेंस के रूप में, एलन टुडिक ड्यूक ऑफ वेसल्टन के रूप में, सियारन हिंस ग्रैंड पब्बी के रूप में, ट्रोल किंग क्रिस विलियम्स ओकेन के रूप में, वांडरिंग ओकेन के ट्रेडिंग पोस्ट और सोना के मालिक, माया विल्सन बुलेडा के रूप में, एक ट्रोल और क्रिस्टोफ की दत्तक मां, पॉल ब्रिग्स मार्शमेलो के रूप में, एक विशाल हिम राक्षस जो एल्सा के महल की रखवाली करता है, मॉरिस लामाचे अरेंडेल के राजा एग्नार के रूप में, अन्ना और एल्सा के पिता, जेनिफर ली अरेंडेल की रानी एडुना के रूप में, अन्ना और एल्सा की मां, गैर बोलने वाले पात्रों में क्रिस्टोफ के हिरन साथी स्वेन, घोड़े और भेड़िए शामिल हैं। स्वेन की घुराघुराहट और खर्राटों को फ्रैंक वेलकर ने प्रदान किया था, जिन्हें श्रेय नहीं दिया गया था। वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस ने अपनी फिल्म स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, पहली फीचर लेंथ हाथ से बनाई गई एनिमेटेड फिल्म के दिसंबर प्रीमियर से पहले 1937 के अंत में लेखक और कवि हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की संभावित लाइव एक्शन एनिमेटेड जीवनी फिल्म की खोज शुरू की। द 10th ऑफ मार्च 1940 में वॉल्ट डिज्नी ने फिल्म निर्माता सैमुअल गोल्डविन को एक सह निर्माण का सुझाव दिया, जिसमें गोल्डविन का स्टूडियो एंडरसन के जीवन के लाइव एक्शन दृश्यों को शूट करेगा और डिज्नी का स्टूडियो एंडरसन की परी कथाओं को एनिमेट करेगा। 10 संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने के बाद डिज्नी ने युद्धकालीन प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया। इसने 1942 में डिज्नी गोल्डविन परियोजना के विकास को रोक दिया। 10 गोल्डविन ने 1952 में पीछे मुड़कर देखे तो ये बहुत आसान था, लेकिन उस दौरान ये एक बड़ा संघर्ष था। एंडरसन लोपेज ने मजाक में कहा कि वह और लोपेज सोचते थे कि अगर अंतिम उत्पाद उनके करियर को नीचे खींचता तो वे जन्मदिन की पार्टी के जोकर के रूप में काम कर सकते थे। 1907 हम वास्तव में अंतिम क्षण तक लिख रहे थे। जून में घोषित रिलीज की तारीख से 5 महीने पहले गीतकारों ने फिल्म पर काम करना शुरू किया जब उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉरएवर की रचना की, जो लोपेज के अनुसार पूरी फिल्म का मुख्य आधार बन गया। 1924 डिज्नी ने उस महीने फीनिक्स एरिजोना में 2 दर्शकों, एक परिवार और दूसरा वयस्कों का के लिए आंशिक रूप से पूरी की गई फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग आयोजित की, जिसमें लेसेटर और कैटेमुल मौजूद थे। ली ने याद किया कि यह वह क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास कुछ है, क्योंकि प्रतिक्रिया बहुत बड़ी थी। कैटेमुल ने बाद में उनसे कहा, तुमने कर दिखाया। कास्टिंग, क्रिस्टन बेल को द 5th ऑफ मार्च 2012 को अन्ना की आवाज के रूप में चुना गया। फिल्म निर्माताओं ने बेल द्वारा रिकॉर्ड किए गए गायन ट्रैक की एक श्रृंखला सुनी जब वह छोटी थी, जिसमें उसने द लिटिल मरमेड के गाने गाए थे, जिसमें पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड भी शामिल था। बेल ने गर्भवती होने के दौरान अपने फ्रोजन रिकॉर्डिंग सत्र पूरे किए और गर्भावस्था के बाद कुछ पंक्तियों को फिर से रिकॉर्ड किया जब उसकी आवाज गहरी हो गई थी। उन्हें फिल्म के लिए संवाद फिर से रिकॉर्ड करने के लिए शायद 20 बार बुलाया गया था, जो कि डिज्नी एनिमेटेड फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं के लिए सामान्य है जिनकी स्क्रिप्ट विकसित हो रही है। अन्ना की भूमिका के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में बेल ने कहा कि वह 4 साल की उम्र से ही डिज्नी एनिमेटेड फिल्म में होने का सपना देखती थी। मुझे हमेशा डिज्नी एनिमेशन पसंद था, लेकिन महिलाओं के बारे में कुछ ऐसा था जो मेरे लिए अप्राप्य था। उनका आसन बहुत अच्छा था और वे बहुत अच्छी तरह से बोलती थी, और मुझे लगता है कि मैंने वास्तव में इस लड़की को और अधिक भरोसेमंद और अजीब और चंचल और अधिक उत्तेजित और अजीब बना दिया। मुझे इस पर वास्तव में गर्व है। टहनिया, जिन्हें कला निर्देशित किया जाना है, स्नो बैचर, जिसने बर्फ के अंतिम रूप का पूर्वावलोकन करने में मदद की, खासकर जब पात्र इसके माध्यम से चलते हैं, और टॉनिक, जिसने कलाकारों को अपने पात्रों के बालों को गढ़ने में सक्षम बनाया। टॉनिक ने फर और बालों को एनिमेट करने में भी मदद की, जैसे कि एल्सा के बाल, जिसमें 420,000 कंप्यूटर जनरेटेड स्ट्रेंथ है, औसत मानव के पास 100,000 स्ट्रेंथ होते हैं। फ्रोजन में 312 कैरेक्टर रिग और 245 क्लॉथ कॉस्ट्यूम रिग है, जो आज तक की अन्य डिज्नी फिल्मों की तुलना में कहीं अधिक है।
50 प्रभाव और प्रकाश कलाकारों ने एक एकल शॉट बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पर एक साथ काम किया, जिसमें एल्सा अपना बर्फ महल बनाती है। प्रत्येक फ्रेम को रेंडर करने के लिए 30 घंटे की आवश्यकता थी, जिसमें 4000 कंप्यूटर एक बार में एक फ्रेम को रेंडर करते थे। 3D प्रभावों के अलावा फिल्म निर्माताओं ने विशिष्ट तत्वों और दृश्यों के लिए 2D कलाकृति और रेखाचित्रों का उपयोग किया, जिसमें एल्सा की जादुई और बर्फ की मूर्तियां और बर्फीले फव्वारे और फर्श शामिल थे। प्रभाव समूह ने एक कैप्चर स्टेज बनाया, जहां फ्रोजन की पूरी दुनिया को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया गया, जिसे विशेष कैमरों पर फिल्माया जा सकता है, ताकि एक त्रिआयामी दृश्य बनाया जा सके। प्रौद्योगिकी प्रबंधक इवान गोल्डबर्ग ने कहा, हम इस आभासी सेट को ले सकते हैं जो मेरे सभी कार्यों की नकल कर रहा है और इसे फिल्म में हमारे किसी भी दृश्य में डाल सकता है। फ्रोजन वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की अंतिम फिल्म थी, जिसमें रेंडरिंग के लिए पिक्सर रेंडरमैन का इस्तेमाल किया गया था। स्टूडियो ने बिग हीरो 6 के साथ अपने नए रेंडरिंग सॉफ्टवेयर हाइपरियन पर स्विच किया। स्कैंडिनेवियाई और सामी प्रेरणा सेटिंग अरेंडेल का काल्पनिक साम्राज्य है, जो नॉर्वे पर आधारित था और फिल्म स्कैंडिनेवियाई संस्कृति से प्रभावित थी। अरेंडेल में कई स्थान नॉर्वे में वास्तविक जीवन के स्थलों से प्रेरित हैं, जिनमें ओस्लो में एकरसहस किला, ट्रॉनहेम में निडारोस कैथेड्रल और बर्गन में ब्राइगन शामिल हैं। फिल्म में कई अन्य स्कैंडिनेवियाई सांस्कृतिक तत्व भी शामिल हैं, जैसे कि स्टेव चर्च, ट्रोल्स, वाइकिंग जहाज, एक गर्म पानी का झरना, फजॉर्ड घोड़े, कपड़े और ल्यूटफिस्ट जैसे खाद्य पदार्थ। फिल्म में एक मेपोल भी मौजूद है और रून एक किताब में संक्षिप्त रूप से दिखाई देते हैं, जिसे अन्ना और एल्सा के पिता खोलते हैं, ताकि पता चल सके कि ट्रोल्स कहाँ रहते हैं। एक दृश्य जहां दो आदमी इस बात पर बहस करते हैं कि जलाओ लकड़ी को छाल ऊपर या छाल नीचे रखना है, जलाओ लकड़ी को ठीक से ढेर करने के बारे में एक चिरस्थायी नॉर्वेजियन बहस को संदर्भित करता है। फिल्म में सामी संस्कृति के कई तत्व हैं, जैसे कि परिवहन के लिए हिरन का उपयोग और उन्हें नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, कपड़ों की शैलियां, आइस कटर की पोशाक और संगीत स्कोर के कुछ हिस्से। सजावट जैसे कि महल के खंभों और क्रिस्टोफ की स्लेज पर सामी डोजी सजावट से प्रेरित है। डिज्नी की टीम ने प्लास्टे गांव में सामी परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी रोरोस्वीन का दौरा किया, जो हिरन का मांस बनाती है और पर्यटन कार्यक्रमों की व्यवस्था करती है। अरेंडेल की प्रेरणा नॉर्वे के सबसे लंबे फजॉर्ड सोग्नेफजॉर्डेन की एक शाखा नेरोएफजॉर्ड से मिली, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चारों दीवारों पर हाथ से पेंट किए गए पैटर्न वाले ओस्लो महल ने राज्य के महल के अंदरूनी हिस्से को प्रेरित किया। फिल्म निर्माताओं की नॉर्वे यात्रा ने एनिमेटरों को रंग, प्रकाश और वातावरण के संदर्भ में एक सौंदर्यबोध डिजाइन करने के लिए जानकारी प्रदान की। जियामो के अनुसार, उन्होंने नॉर्वे की शोध यात्रा से 3 महत्वपूर्ण कारक प्राप्त किए, फजॉर्ड और उनकी विशाल ऊर्ध्वाधर चट्टान संरचनाएं, अरेंडेल के एकांत राज्य की सेटिंग, मध्ययुगीन स्टेव चर्च जिनकी देहाती त्रिकोणीय छत और शिंगल ने महल के परिसर को प्रेरित किया, और रोजमेलिंग लोक कला जिसकी विशिष्ट पैनलिंग और पैटर्न ने फिल्म की वास्तुकला, सजावट और वेशभूषा को सूचित किया। संगीत और ध्वनि डिजाइन। फिल्म का अनुवाद करने की प्रक्रिया असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण थी। गीत के सही इरादे को समझना और साथ ही इसे संगीत के साथ लयबद्ध रूप से मिलाना एक कठिन काम है, और फिर आपको वापस जाकर लिप सिंक के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। इसके लिए बहुत धैर्य और सटीकता की आवश्यकता होती है। लोपेज ने बताया कि उन्हें डिज्नी द्वारा उनके गीतों से जटिल शब्दों और चुटकुलों को हटाने के लिए कहा गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फिल्म आसानी से अनुवाद योग्य हो और इसमें सार्वभौमिक रूप से आकर्षक गीत हो। डब किए गए संस्करणों की कास्टिंग में डिज्नी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि फिल्म स्थानीय लगे, देशी वक्ताओं की आवश्यकता थी। बेल और मेंजेल की आवाजें कास्टिंग में ब्लूप्रिंट थी, आवाजों को जितना संभव हो सके मिलाने के प्रयास के साथ, और एल्सा के लिए 41 स्लॉट भरने के लिए लगभग 200 गायकों ने ऑडिशन दिया। एल्सा की गायन और बोलने वाली भूमिकाओं को लगभग 15 डब किए गए संस्करणों के लिए अलग अलग कास्ट किया गया था, क्योंकि सभी गायक उस भूमिका को नहीं निभा सकते थे जिसे वे गा रहे थे। सभी 41 भाषाओं में अन्य भूमिकाओं के लिए कास्टिंग के बाद अंतरराष्ट्रीय कलाकारों में 900 से अधिक लोग शामिल थे, जिन्होंने लगभग 1300 रिकॉर्डिंग सत्रों में अपनी भूमिकाओं को आवाज दी। फिल्म के इतालवी संस्करण को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी डबिंग के लिए पुरस्कार मिला। कुछ स्थानीय टीवी स्टेशनों और स्वतंत्र स्टूडियो ने अल्बानियाई, अरबी, टीवी, कराची बलकार, फारसी और तागालोग में अनौपचारिक डब बनाए हैं। फ्रोजन को 27 नवंबर 2013 को गेट अ हॉर्स, एक नई मिकी माउस एनिमेटेड लघु फिल्म के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 19 नवंबर 2013 को हॉलीवुड के एल कैपिटन थिएटर में हुआ, जहां 22 नवंबर से शुरू होने वाले 5 दिवसीय सीमित रिलीज के साथ इसकी व्यापक रिलीज हुई। रिलीज से पहले लोपेज और एंडरसन लोपेज की लेट इट गो और इन समर का पूर्वावलोकन 2013 D23 एक्सपो में किया गया था। इदिना मेंजेल ने लेट इट गो का लाइव प्रदर्शन किया। The 18th of June 2013 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया, उसके बाद The 26th of September 2013 को ट्रेलर जारी किया गया।
फ्रोजन को कई डिज्नी थीम पार्कों में प्रचारित किया गया, जिसमें डिज्नीलैंड का फैंटेसीलैंड, डिज्नी कैलिफोर्निया एडवेंचर का वर्ल्ड ऑफ कलर, एपकोट का नॉर्वे पवेलियन और डिज्नीलैंड पेरिस का डिज्नी ड्रीम्स शो शामिल है। डिज्नीलैंड और एपकोट ने अन्ना और एल्सा के साथ मिलन जुलन सत्र आयोजित किए। 6 नवंबर 2013 को डिज्नी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने डिज्नी स्टोर और अन्य खुदरा विक्रेताओं पर खिलौनों और अन्य फिल्म संबंधित माल की एक श्रृंखला जारी की। 31 जनवरी 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 2057 सिनेमाघरों में फ्रोजन का एक गायन 7 संस्करण जारी किया गया। इसमें ऑन स्क्रीन गीत थे और दर्शकों को उछलते हुए हिमपात का अनुसरण करने और फिल्म के गीतों के साथ गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। 14 मार्च 2014 को जापान में इसके व्यापक रिलीज के बाद 26 अप्रैल को फ्रोजन का एक समान गायन 7 संस्करण रिलीज किया गया। जापानी डब किए गए संस्करणों में दर्शकों के लिए पात्रों के साथ गाने के लिए गीतों के जापानी बोल स्क्रीन पर दिखाई दिए। यूनाइटेड किंगडम में 28 नवंबर 2014 को फिल्म का एक गायन 7 संस्करण रिलीज किया गया। होम मीडिया वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट ने फ्रोजन को 25 फरवरी 2014 को डिजिटल डाउनलोड के लिए और 18 मार्च को ब्लू रे और डीवीडी पर रिलीज किया। भौतिक प्रतियों में पर्दे के पीछे के फीचर, हटाए गए दृश्य, फिल्म का टीजर ट्रेलर, लेट इट गो, म्यूजिक वीडियो और गेट ए हॉर्स शामिल है। 12 अगस्त 2014 को घोषणा के बाद फ्रोजन का एक गायन 7 पुनः रिलीज उसी वर्ष 18 नवंबर को डीवीडी और डिजिटल डाउनलोड पर रिलीज किया गया। 2019 में 4K अल्ट्रा HD ब्लू रे संस्करण जारी किया गया। फ्रोजन ने अपने ब्लू रे और डीवीडी रिलीज के दिन 3.2 मिलियन यूनिट बेची, जो दशक के सबसे बड़े होम वीडियो विक्रेताओं में से एक और अमेज़न की अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली बच्चों की डिस्क है। फिल्म का डिजिटल डाउनलोड संस्करण अब तक की सबसे तेजी से बिकने वाली डिजिटल रिलीज थी। फ्रोजन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिट बिक्री में अपना पहला सप्ताह नंबर 1 पर समाप्त किया। नीलसन की बिक्री चार्ट में अन्य 19 शीर्षकों की तुलना में 3 गुना से अधिक यूनिट बेची। फिल्म ने अपने पहले सप्ताह के दौरान 3,969,270 ब्लू रे यूनिट, $79,266,322 बेची, जो इसकी शुरुआती होम मीडिया बिक्री का आधा हिस्सा था। 4 मई 2014 तक यह रिलीज के अपने 7 हफ्तों में से 6 के लिए अमेरिकी होम वीडियो बिक्री चार्ट में शीर्ष पर रही। यूनाइटेड किंगडम में फ्रोजन ने आधिकारिक वीडियो चार्ट पर ब्लू रे और डीवीडी बिक्री में नंबर 1 पर शुरुआत की। आधिकारिक चार्ट कंपनी के अनुसार फिल्म की 500,000 से ज्यादा प्रतियां इसके 2 दिवसीय उद्घाटन 31 मार्च 1 अप्रैल 2014 में बिक गईं। यूनाइटेड किंगडम में रिलीज के पहले 3 हफ्तों के दौरान फ्रोजन की 1.45 मिलियन से ज्यादा यूनिट बिकी और ये 2014 का सबसे ज्यादा बिकने वाला वीडियो टाइटल था। फ्रोजन ने 4 हफ्तों में जापान में 2,025,000 ब्लू रे डीवीडी संयोजन सेट बेचे, जो 2 मिलियन प्रतियां बेचने वाला सबसे तेजी से बिकने वाला होम वीडियो था, स्पिरिटेड अवे के 11 सप्ताह के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए। फ्रोजन जापान में बिक्री के पहले दिन और पहले सप्ताह में बिकने वाली सबसे ज्यादा होम वीडियो इकाइयों का रिकॉर्ड रखता है। 2014 के अंत तक फिल्म की US होम मीडिया बिक्री में $308,026,545 थी। ये सबसे अधिक बिकने वाली होम मीडिया रिलीज में से एक है, जिसकी 2015 तक 18 मिलियन से अधिक इकाइयां बिक चुकी थी। फ्रोजन जुलाई 2018 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग ब्लू रे रिलीज थी, जिसकी 7.5 मिलियन से अधिक इकाइयां बिक चुकी थी। फेज 4 फिल्म्स के विरुद्ध मुकदमा। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने दिसंबर 2013 के अंत में फेज 4 फिल्म्स के विरुद्ध कैलिफोर्निया संघीय न्यायालय में ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया, जिसमें द लीजेंड ऑफ सरिला के वितरण के विरुद्ध निषेधाज्ञा की मांग की गई, जो एक कनाडाई फिल्म थी जिसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रोजन लैंड रखा गया था और जिसका लोगो डिज्नी फिल्म के समान था। जनवरी 2014 के अंत तक कंपनियों ने मुकदमा निपटा दिया था। द लीजेंड ऑफ सरिला और संबंधित मर्चेंडाइज के वितरण और प्रचार में इसके मूल शीर्षक का उपयोग करना था और फेज 4 डिज्नी की रिलीज के समान भ्रामक रूप से ट्रेडमार्क, लोगो या अन्य डिजाइन का उपयोग नहीं कर सकता था। फेज 4 को 27 जनवरी 2014 तक डिज्नी को $100,000 का भुगतान करना था और उस वर्ष 3 मार्च से पहले स्टोर ऑनलाइन वितरकों से फ्रोजन लैंड की प्रतियां हटाने के लिए सभी व्यवहारिक प्रयास करने थे। स्वागत बॉक्स ऑफिस। अपनी मूल नाटकीय रिलीज के दौरान फ्रोजन ने उत्तरी अमेरिका में $400.70 मिलियन और अन्य देशों में अनुमानित $880 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $1,280,802,282 की कमाई हुई। सभी खर्चों की गणना करते हुए डेडलाइन हॉलीवुड ने अनुमान लगाया कि फिल्म ने $400 मिलियन से अधिक का लाभ कमाया। ये 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म, सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म, सबसे अधिक कमाई करने वाली 2013 की फिल्म, वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की 3वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म और डिज्नी द्वारा वितरित 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में $110.60 मिलियन की कमाई की।
2 मार्च 2014 को रिलीज के 101 दिन इसने $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। सिनेमाई इतिहास की 18वीं फिल्म, 7वीं डिज्नी वितरित फिल्म, 5वीं गैर सीक्वल फिल्म, 2013 में दूसरी डिज्नी वितरित फिल्म आयरन मैन 3 के बाद और टॉय स्टोरी 3 के बाद ऐसा करने वाली पहली एनिमेटेड फिल्म। ब्लूमबर्ग बिजनेस ने मार्च 2014 में रिपोर्ट की कि बाहरी विश्लेषकों ने फिल्म के निर्माण, विपणन और वितरण के लिए कुल लागत $323 मिलियन से $350 मिलियन होने का अनुमान लगाया था और अनुमान लगाया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस टिकट बिक्री, डिजिटल डाउनलोड, डिस्क और टेलीविजन अधिकारों से $1.30 बिलियन का राजस्व अर्जित करेगी। उत्तरी अमेरिका। फ्रोजन मूल एनिमेटेड फिल्मों में फैंडेंगो की सबसे ज्यादा एडवांस टिकट बेचने वाली फिल्म थी, जो पिछले रिकॉर्ड धारक ब्रेव से आगे थी और जनवरी 2014 के आखिर में कंपनी के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। फिल्म का सिंग अलोंग वर्जन बाद में 3 दिनों के लिए फिर से टिकट सेवा की सबसे ज्यादा बिकने वाली सूची में शीर्ष पर रहा। फ्रोजन द 22nd of November 2013 को हॉलीवुड के एल कैपिटन थिएटर में 5 दिवसीय सीमित रिलीज के लिए खुली और द 27th of November को अपनी व्यापक ओपनिंग से पहले $342,839 कमाए। इसने 3 दिवसीय सप्ताहांत के दौरान $243,390 कमाए, जो प्रति थिएटर औसत 7वां सबसे बड़ा था। फिल्म ने अपनी व्यापक रिलीज के शुरुआती दिन $15.2 मिलियन कमाए, जिसमें मंगलवार देर रात के शो से $1.2 मिलियन शामिल है और थैंक्सगिविंग बुधवार की सबसे ज्यादा ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया, जो टैंगल $11.90 मिलियन से आगे था। कैचिंग फायर $20.80 मिलियन के बाद यह सभी फिल्मों में दूसरा सबसे बड़ा प्री थैंक्सगिविंग बुधवार था। फिल्म ने पारंपरिक 3 दिवसीय सप्ताहांत शुक्रवार से रविवार में $67.40 मिलियन के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जिसने वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो फिल्मों के लिए ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड बनाया। यह उन फिल्मों का दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड था जिन्होंने नंबर 1 पर शुरुआत नहीं की थी। पहले सप्ताहांत में फ्रोजन के कुल दर्शकों में महिला दर्शकों की हिस्सेदारी 57% थी और पारिवारिक दर्शकों की संख्या 81% थी। इसने थैंक्सगिविंग के दौरान रिलीज हुई फिल्मों के लिए 3 दिवसीय $67.40 मिलियन शुक्रवार से रविवार तक और 5 दिवसीय $93.60 मिलियन बुधवार से रविवार तक रिकॉर्ड बनाए। कैचिंग फायर के बाद यह सभी फिल्मों में दूसरी सबसे बड़ी 3 दिवसीय और 5 दिवसीय थैंक्सगिविंग कमाई थी। दूसरे व्यापक रिलीज के सप्ताहांत में यह 53% गिरकर $31.6 मिलियन पर आ गई, लेकिन टॉय स्टोरी 2 $27.80 मिलियन से आगे निकलकर थैंक्सगिविंग के बाद के सबसे बड़े सप्ताहांत का रिकॉर्ड बनाते हुए पहले स्थान पर पहुंच गई। फ्रोजन अवतार के बाद पहली फिल्म थी जो व्यापक रिलीज के 6वें सप्ताहांत में पहले स्थान पर पहुंची। यह फिल्म लगातार 16 सप्ताहांतों तक बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष 10 में रही, 2002 के बाद से किसी भी फिल्म द्वारा सबसे लंबा दौर और व्यापक रिलीज के अपने 5वें से 12वें सप्ताहांत तक अन्य फिल्मों की तुलना में अपने संबंधित सप्ताहांतों के दौरान बड़ी सप्ताहांत की कमाई की। द 25th of April 2014 को फ्रोजन उत्तरी अमेरिका में $400 मिलियन की कमाई करने वाली 19वीं फिल्म बन गई। फ्रोजन उत्तरी अमेरिका में 26वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, 2013 में 30वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म, 2013 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म, 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 3D फिल्म और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो फिल्म है। दोबारा रिलीज को छोड़कर इसमें गैर सीक्वल एनिमेटेड फिल्मों एक रिकॉर्ड जो पहले फाइंडिंग निमो के पास था और वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो फिल्मों एक रिकॉर्ड जो पहले द लानकिन के पास था का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला शुरुआती रन है। बॉक्स ऑफिस मोजो ने अनुमान लगाया कि फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में 49 मिलियन से अधिक टिकट बेचे। उत्तरी अमेरिका के बाहर फ्रोजन 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म है और 2013 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। ये दक्षिण कोरिया, डेनमार्क और वेनेजुएला में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म है। ये लैटिन अमेरिका, मेक्सिको और ब्राजील, यूके, आयरलैंड, माल्टा, रूस और सीआईएस, यूक्रेन, नॉर्वे, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और चीन सहित 45 से ज्यादा क्षेत्रों में वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। फिल्म का प्रीमियर उत्तरी अमेरिका के बाहर उसी सप्ताहांत हुआ जिस सप्ताहांत में ये व्यापक रूप से रिलीज हुई थी और इसने 16 बाजारों से $16.70 मिलियन कमाए। इसने 2014 में 2 सप्ताहांतों में उत्तरी अमेरिका के बाहर बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया, 10 टू 12 जनवरी $27.80 मिलियन और 7 टू 9 फरवरी $24 मिलियन। फ्रोजन का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड। चीन 5 दिन की ओपनिंग में $14.3 मिलियन की कमाई, रूस और सीआईएस $11.90 मिलियन। पिछले वीकेंड के प्रीव्यू सहित जहां फिल्म ने डिज्नी एनिमेटेड फिल्मों के लिए ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड बनाया और जापान 3 दिन की ओपनिंग में $9.73 मिलियन की कमाई में था।
इसने स्वीडन में एनिमेटेड फिल्मों के लिए ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड बनाया। कुल कमाई में उत्तरी अमेरिका के बाद फिल्म का शीर्ष बाजार जापान $247.60 मिलियन था, उसके बाद दक्षिण कोरिया $76.60 मिलियन और यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और माल्टा $65.70 मिलियन थे। दक्षिण कोरिया में फ्रोजन उपस्थिति और सकल दोनों में दूसरी सबसे बड़ी विदेशी फिल्म है, सबसे बड़ी डिज्नी रिलीज और 10 मिलियन से अधिक प्रवेश वाली पहली एनिमेटेड फिल्म है। ये फिल्म जापान के बॉक्स ऑफिस पर लगातार 16 सप्ताहांतों तक शीर्ष पर रही, जब तक कि इसे डिज्नी की एक अन्य रिलीज मेलफिसेंट ने पीछे नहीं छोड़ दिया। वाणिज्यिक विश्लेषण रे सुबर्स ने बॉक्स ऑफिस मोजो पर फ्रोजन की तुलना डिज्नी की 2010 की एनिमेटेड फीचर टैंगल से करते हुए कहा कि फिल्म का कथानक तुरंत दिलचस्प नहीं था और मार्केटिंग ने इसे अभी तक लड़कों को उस तरह नहीं बेचा है जिस तरह टैंगल ने बेचा था। ये देखते हुए कि 2013 के छुट्टियों के मौसम, थैंक्सगिविंग और क्रिसमस में आकर्षक पारिवारिक सामग्री की कमी थी, सुबर्स ने भविष्यवाणी की कि फिल्म क्रिसमस तक अच्छी चलेगी और उत्तरी अमेरिका में $185 मिलियन की कमाई करेगी, रेक इट राल्फ के समान। बॉक्स ऑफिस ने छुट्टियों के मौसम, टैंगल्ड और रेक इट राल्फ के दौरान रिलीज की गई पिछली डिज्नी की एनिमेटेड फिल्मों की सफलता का उल्लेख किया, लेकिन कहा कि फ्रोजन के कलाकार सितारों की कमी के कारण दर्शकों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। पत्रिका ने फिल्म के लिए उत्तरी अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर $170 मिलियन का पूर्वानुमान लगाया। स्क्रीनरेंट के क्रिस एगर ने स्टूडियो की हाल की बॉक्स ऑफिस सफलताओं का हवाला देते हुए इसी तरह की राय व्यक्त की। उन्होंने सोचा कि फ्रोजन बाजार में बच्चों के अनुकूल फिल्मों की कमी को पूरा करेगा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कैचिंग फायर से आगे निकलने की उम्मीद नहीं करता। स्लैंट मैगजीन के क्लेटन डिलार्ड ने कहा कि हालांकि इसके ट्रेलरों ने फिल्म को फीका बना दिया है, लेकिन सकारात्मक समीक्षा, कोर डेमोग्राफिक्स और वयस्क दर्शकों से रुचि आकर्षित कर सकती है और फ्रोजन थैंक्सगिविंग के 3 दिवसीय ओपनिंग रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। ropofsilicon.com के ब्रेड ब्रेवेट ने फिल्म के विपणन को गंभीर रूप से हिट और मिस कहा, जो संभवतः इसके बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। फ्रोजन ने थैंक्सगिविंग के दौरान रिकॉर्ड $93.60 मिलियन के साथ अपना पहला सप्ताहांत समाप्त करने के बाद अधिकांश बॉक्स ऑफिस दर्शकों ने भविष्यवाणी की कि यह उत्तरी अमेरिका में $250 और $300 मिलियन के बीच कमाई करेगी। बॉक्स ऑफिस मोजो ने उत्तरी अमेरिका के लिए अपने $250 मिलियन सकल पूर्वानुमान को दोहराया। वेबसाइट ने इसे पारिवारिक दर्शकों के लिए विशेष विकल्प कहा और इसकी सफल शुरुआत का श्रेय मजबूत वर्ड ऑफ माउथ और स्टूडियो मार्केटिंग को दिया, जिसने फ्रोजन के हास्य और टैंगल्ड और रेक इट राल्फ से इसके संबंधों को उजागर किया। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया फ्रोजन को सकारात्मक समीक्षा मिली और कई आलोचकों ने इसकी तुलना डिज्नी पुनर्जागरण फिल्मों जैसे द लिटिल मरमेड, ब्यूटी एंड द बीस्ट, अलादीन और द लायन किंग से की। कुछ पत्रकारों के अनुसार फिल्म की सफलता ने दूसरे डिज्नी पुनर्जागरण की शुरुआत की। इसकी दृश्य थीम, संगीतमय संख्या, पटकथा और गायन प्रदर्शन, विशेष रूप से बेल, मेंजेल और गैद के लिए इसकी प्रशंसा की गई। लेट इट गो संगीत अनुक्रम की भी आलोचकों द्वारा विशेष रूप से प्रशंसा की गई। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 251 आलोचकों की 90% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 7/7 October 10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, खूबसूरती से एनिमेटेड, स्मार्ट तरीके से लिखी गई और गाने के साथ भरी हुई, फ्रोजन डिज्नी कैनन में एक और योग्य प्रविष्टि जोड़ती है। मेटाक्रिटिक, जो मुख्यधारा के आलोचकों द्वारा की गई समीक्षाओं से 100 में से रेटिंग निर्धारित करता है, ने 43 समीक्षाओं में से 74 का स्कोर गणना किया, इसने आमतौर पर अनुकूल समीक्षा का संकेत दिया। सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर एक दुर्लभ A+ ग्रेड दिया। फेंडेंगो द्वारा 1000 टिकट खरीदारों के सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि 75% खरीदारों ने फिल्म को कम से कम एक बार देखा था और 52% ने इसे 2 बार देखा था। 55% दर्शकों ने लेट इट गो को अपने पसंदीदा गीत के रूप में पहचाना, डू यू वॉन्ट टू बिल्ड ए स्नोमैन और फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉरएवर को क्रमशः 21% और 9% ने पसंद किया। फ्रोजन को टाइम के रिचर्ड कॉलिस और न्यूयॉर्क पोस्ट के काइल स्मिथ द्वारा 2013 की 7वीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया था। द रैप के एलोंसो डुराल्डे ने लिखा कि यह फिल्म गीतकार हॉवर्ड एशमैन की दुखद मौत के बाद डिज्नी से निकली सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड संगीतमय फिल्म है, जिनके द लिटिल मरमेड और ब्यूटी एंड द बीस्ट पर काम ने स्टूडियो के आधुनिक एनिमेटेड डिवीजन को आज के स्तर तक बनाने में मदद की। डुराल्डे के अनुसार हालांकि यह निष्कर्ष तक पहुंचने में थोड़ा पीछे है, लेकिन पटकथा वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करती है, ये परवाह करने वाले पात्रों के साथ साथ रास्ते में कुछ शानदार मोड़ और आश्चर्य भी प्रदान करती है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने फ्रोजन को एक सच्चा संगीतमय फिल्म कहा। डिज्नी की 3D एनिमेटेड राजकुमारी की कहानी देखते हुए आप व्यवहारिक रूप से देख सकते हैं कि फ्रोजन ब्रॉडवे संगीतमय फिल्म बनने के लिए किस्मत में है। मैकार्थी ने फिल्म को ऊर्जावान, हास्यप्रद और बहुत अधिक उबाऊ नहीं कहा।
साथ ही कई वर्षों में पहली हॉलीवुड फिल्म जो ग्लोबल वार्मिंग के बजाय कूलन की चेतावनी देती है। यह मधुर टून बड़े स्टूडियो के एनिमेटेड फेयर के लिए एक नीरस वर्ष को उन्नत करता है और थैंक्सगिविंग ओपनिंग से शुरू होकर स्टूडियो की उम्मीदों के मुताबिक छुट्टियों में भी ब्लॉकबस्टर के रूप में बॉक्स ऑफिस की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। फोर्ब्स के स्कॉट मेंडेलसन ने लिखा, फ्रोजन डिज्नी की नवीनीकृत सांस्कृतिक प्रासंगिकता की घोषणा और डिज्नी की अपनी विरासत और अपनी पहचान के साथ आने की पुष्टि दोनों है। ये पारिवारिक मनोरंजन का एक शानदार हिस्सा भी है। लॉस एंजल्स टाइम्स ने फिल्म के कलाकारों की आवाज प्रतिभा और विस्तृत संगीत दृश्यों की प्रशंसा की। फ्रोजन को वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के लिए महानता की एक स्वागत योग्य वापसी कहा। एंटरटेनमेंट वीकली के ओवन ग्लीबरमैन ने फिल्म को B+ ग्रेड दिया और इसे एक पूरी तरह से आकर्षक परीक्षा कहा, जो आपको दिखाती है कि एनिमेशन में क्या नया है, इसकी परिभाषा कैसे बदल सकती है। टाइम के रिचर्ड कॉलिस ने लिखा, डिज्नी को अपनी जड़ों की ओर लौटते और नए सिरे से खिलते हुए देखना बहुत अच्छा है। बेहतर संगीतमय मनोरंजन का निर्माण करना जो एनिमेशन वैभव की वॉल्ट डिज्नी परंपरा और ब्रॉडवे वर्तमान की जीवंतता को आकर्षित करता है। रिचर्ड रोपर ने लिखा कि फिल्म शुरू से अंत तक एक परम आनंद थी। शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन दोनों ने फिल्म के पात्रों और संगीतमय संख्याओं की प्रशंसा की। डिजिटल स्पाई की एम्मा डिबेडिन ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार दिए और इसे एक नया डिज्नी क्लासिक, एक रोमांचक आनंदमय मानवीय कहानी कहा, जो जितनी चौंकाने वाली साहसी और मार्मिक है उतनी ही अक्सर हंसी मजाक वाली भी है। 90 वर्षगांठ के तुरंत बाद डिज्नी की हर चीज के सर्वोत्तम रूप का इससे बेहतर उत्सव की कल्पना करना असंभव है। नॉर्वेजियन सामी मीडिया ने फ्रोजन को एक अच्छे तरीके से व्यापक दर्शकों के लिए सामी संस्कृति का प्रदर्शन करने के रूप में उद्धृत किया। संगीतकार फ्रोडे फेजेलहिम की नॉर्वेजियन सामी राष्ट्रपति एली केस्किटालो द्वारा राष्ट्रपति के 2014 के नए साल के भाषण के दौरान फिल्म में उनके योगदान के लिए प्रशंसा की गई थी। वैरायटी के स्कॉट फाउंडास ने फिल्म को फॉर्मूलाबद्ध कहा, इसकी आवाज अभिनय और तकनीकी कलात्मकता की प्रशंसा की। एल्सा के बर्फ के महल सहित स्पर्शनीय बर्फ से ढके अरेंडेल परिदृश्य फ्रोजन का दूसरा सच्चा चमत्कार है, जिसे 3D और वाइड स्क्रीन में शूट करने के निर्णय से बढ़ाया गया है। स्लीपिंग ब्यूटी और लेडी एंड द ट्रैम्प की सिनेमास्कोप समृद्धि के लिए एक इशारा ये लगभग है, लेकिन कुछ हद तक सुस्त कथानक और मुख्य पात्रों की सामान्य प्रकृति की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ कोई भी राजकुमारी टैंगल्ड की बेब इन द वुड्स रोपुंजेल की बराबरी नहीं कर सकती है। जबकि हंस और क्रिस्टोफ दोनों ही काफी मानक मुद्दे वाले नायक के कपड़े से काटे गए हैं, जब तक कि एक आश्चर्यजनक तीसरे अधिनियम में कुछ हद तक बदलाव नहीं आता। सिएटल टाइम्स ने फिल्म को 4 में से 2 स्टार दिए, जबकि ये कंप्यूटर द्वारा निर्मित फजॉर्ड्स और बर्फ की मूर्तियों और महल के अंदरूनी हिस्सों के साथ अक्सर एक खूबसूरत फिल्म है। महत्वपूर्ण चीज जो इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ती है, कहानी दुख की बात है कि गायब है। सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच के जो विलियम्स ने भी फ्रोजन के कथानक को फिल्म का सबसे कमजोर बिंदु कहा। रोजर एबर्ट की वेबसाइट पर क्रिस्टी लेमायर ने एक मिश्रित समीक्षा पोस्ट की और फिल्म को 4 में से 2.5 स्टार दिए। लेमायर ने दृश्यों, लेट इट गो के प्रदर्शन और फिल्म के सकारात्मक संदेशों की प्रशंसा की, लेकिन फिल्म को निंदक, चीजों को बहुत ज्यादा हिलाए बिना उन्हें हिलाने का प्रयास कहा। और एल्सा और कैरी वाइट, एक और प्रसिद्ध काल्पनिक महिला जो उत्तेजित होने पर अलौकिक शक्तियों को मुक्त करती है, के बीच समानता का उल्लेख किया। आलोचना, भावनाओं का चित्रण। सेक्सिज्म का आरोप तब लगाया गया जब फ्रोजन एनिमेशन के प्रमुख लिनो डिसाल्वो ने फैन वॉयस की जेना बुश से कहा, ऐतिहासिक रूप से कहें तो महिला पात्रों को एनिमेट करना वाकई बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें कई तरह की भावनाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन आपको उन्हें सुंदर बनाए रखना होता है। बाद में डिज्नी के एक प्रवक्ता ने टाइम को बताया कि डिसाल्वो के कथन की व्यापक रूप से गलत व्याख्या की गई। उन्होंने कहा कि वह CG एनिमेशन के कुछ तकनीकी पहलुओं का वर्णन कर रहे थे और महिलाओं बनाम पुरुषों या अन्य पात्रों को एनिमेट करने पर कोई सामान्य टिप्पणी नहीं कर रहे थे। निर्देशक ली ने कहा कि डिसाल्वो के शब्दों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया जब वह CG एनिमेशन के बारे में बहुत ही तकनीकी शब्दों में बोल रहे थे। यह कठिन है, चाहे लिंग कोई भी हो, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा। अगस्त 2014 में दिए गए एक साक्षात्कार में डिसाल्वो ने 2D भावना मॉडल शीट पर रेखाचित्रों की एक श्रृंखला से किसी भी एनिमेटेड चरित्र को एक उचित रूप से तैयार किए गए 3D चरित्र मॉडल में बदलने की कठिनाई को दोहराया। उस भावनात्मक सीमा को CG चरित्र में बदलना प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा है। पुरुष, महिला, हिममानव, पशु, उन्होंने कहा, वास्तव में दुखद बात यह है कि लोगों ने उस आकर्षक शीर्षक को लिया और उन्होंने इसे हर जगह फिर से भर दिया। लोगों ने टिप्पणियों के लिए मुझसे संपर्क नहीं किया और दुखद बात यह है कि इंटरनेट इसी तरह काम करता है, वे सच नहीं चाहते हैं। LGBT समानताएं। कुछ रूढ़िवादी ईसाई टिप्पणीकारों ने फ्रोजन पर समलैंगिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, कहा कि एल्सा का दूसरों से अलग होना, समाज से उसका बहिष्कार और उसकी स्वतंत्रता और पुरुष प्रेमियों को अस्वीकार करना समलैंगिकता के रूपक है। उसके गीत लेट इट गो की तुलना कोठरी से बाहर आने से की गई। अन्य दर्शकों ने तर्क दिया कि एल्सा LGBT युवाओं के लिए एक रोल मॉडल का प्रतिनिधित्व करती है।
दावों पर दर्शकों और एलजीबीटी समुदाय की मिली जुली प्रतिक्रिया थी। आकाश निकोलस ने द अटलांटिक में लिखा कि डिज्नी की फिल्में फ्रोजन सहित अजीब बच्चों को सूक्ष्म रूप से आकर्षित करती हैं, जिनके नायक अक्सर असामान्य इच्छाओं से अलग सामाजिक रूप से बहिष्कृत होते हैं और जो विवाह की पारंपरिक अपेक्षाओं को अस्वीकार करते हैं। रॉबर्ट गेल ने फिल्म इंटरनेशनल में लिखा कि हालांकि फिल्म में समलैंगिकता के बारे में सही तौर पर प्रगतिशील दृष्टिकोण है, लेकिन ये कामुकता और लिंग के रूढ़िवादी विचारों को कायम रखती है। एल्सा की महिला समलैंगिकता पुरुषों की नजर में देखने में सुखद है, लेकिन विषमलैंगिकता के पुरुष उल्लंघन को नकारात्मक रूप से कोडित किया गया है। फिल्म में कथित समलैंगिकता के बारे में पूछे जाने पर ली ने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। मुझे कुछ भी कहना पसंद नहीं है, प्रशंसकों को बात करने दें, मुझे लगता है कि यह उन पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि फिल्म में 2013 का दृष्टिकोण होना चाहिए। लेट इट गो मुकदमा। चिली के गायक जैमे सियरो ने द 24th of November 2017 को लेट इट गो गाने से जुड़े डेमी लोवेटो, एडिना मेंजिल, वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो और अन्य लोगों पर मुकदमा दायर किया, जिसमें उन पर उनके 2008 के गाने बोलर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। मई 2018 में अदालत ने फैसला सुनाया कि कॉपीराइट दावों के लिए 3 साल की सीमा अवधि के कारण गीतकार बॉबी लोपेज और क्रिस्टन एंडरसन लोपेज को मुकदमे से मुक्त कर दिया जाएगा। सियरो को बताया गया था कि वह 3 साल की समय सीमा के भीतर केवल उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए अपनी मूल शिकायत में संशोधन कर सकते हैं और उन्होंने मई 2019 में मुकदमा वापस ले लिया। प्रशंसा। फ्रोजन को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और उसे कई पुरस्कार मिले। लेट इट गो गीत की काफी तारीफ हुई। फिल्म को 71 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में 2 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया और इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का पुरस्कार मिला, जो इस श्रेणी में जीतने वाली वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की पहली फिल्म थी। इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत लेट इट गो के लिए अकादमी पुरस्कार, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार, 5 एनी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर सहित और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत लेट इट गो के लिए क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार मिले। फिल्म को सैटेलाइट पुरस्कारों में भी इसी तरह के नामांकन मिले। 57 वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में फ्रोजन साउंडट्रैक ने विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंडट्रैक के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता और विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंडट्रैक के लिए नामांकित किया गया। संगीतकार के रूप में क्रिस्टोफ बेक को श्रेय दिया गया। लेट इट गो को विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मिला, जिसमें गीतकार के रूप में क्रिस्टन एंडरसन लोपेज और रॉबर्ट लोपेज और कलाकार के रूप में एडिना मेंजिल को श्रेय दिया गया। विरासत। 2014 की वसंत और गर्मियों के दौरान यह देखा गया कि फ्रोजन अमेरिका और यूके में बच्चों के बीच लोकप्रिय थी, जहां फिल्म को बार बार देखा गया और इसके गीतों को बच्चों ने याद किया और गाया, कुछ माता पिता, शिक्षकों और सहपाठियों को परेशान किया। इस घटना, जिसे द गार्जियन ने फ्रोजन मेनिया कहा है, को पत्रकारों और व्यक्तियों ने नोट किया था, जिसमें यूके के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और अभिनेता बेन एफ्लेक, केविन कोस्टनर और विंस वॉन शामिल थे, जिन्होंने खुद को फिल्म के साथ अपने बच्चों की व्यस्तता से निपटते हुए पाया। जब टेरी ग्रॉस ने अप्रैल 2014 के एनपीआर साक्षात्कार में गीतकार लोपेज और एंडरसन लोपेज से इस घटना का उल्लेख किया, तो उन्होंने कहा कि वे नहीं जान सकते थे कि फ्रोजन पर उनका काम इतना लोकप्रिय हो जाएगा। फिल्म की लोकप्रियता और लोकप्रिय संस्कृति की घटना के रूप में इसकी स्थिति का श्रेय क्लासिक डिज्नी एनिमेशन तत्वों, महिला पात्रों, गीतों और एक विशिष्ट खलनायक की अनुपस्थिति पर इसके जोर को दिया गया। इसके भाई बहन के रिश्ते और आत्म स्वीकृति और बलिदान के विषय भी दुनिया भर के दर्शकों के साथ गूंजते हैं। मई में टाइम पत्रिका के स्तंभकार जोएल स्टीन ने अपने बेटे लासलो की प्रीस्कूल और सामाजिक और पाठ्येतर गतिविधियों में फ्रोजन के सांस्कृतिक हमले से निराशा के बारे में लिखा और लासलो द्वारा फिल्म क्यों बनाई गई थी ये पूछने के बाद स्टीन ने मुख्य अभिनेत्री बेल को स्काइप कॉल किया। जब लासलो ने पूछा कि क्या बेल को पता था कि जब उन्होंने फ्रोजन बनाया था तो ये बच्चों के जीवन को प्रभावित करेगा, उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कि लोग इसे जाने नहीं देंगे, कोई मजाक नहीं। दिसंबर 2014 में हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में ली ने स्वीकार किया कि जब लोग फ्रोजन के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते थे तो वे धन्यवाद देने से लेकर माफी मांगने तक में बदल गई थी। जब उन्होंने कहा, हम अभी भी उन गीतों को सुन रहे हैं अपने बच्चों के साथ, ली ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी, जिसने स्कूल में बदमाशी का अनुभव किया था, को प्रेरित करने के लिए फिल्म और उसके मजबूत महिला पात्रों का उपयोग किया और वह भी एक बच्चे के रूप में बदमाशी का शिकार हुई थी। वे अन्ना और एल्सा की तरह खुद के प्रति सच्चे थे। 2014 के मध्य में बेबी सेंटर की 100 सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शिशु नामों की सूची में एल्सा को 88 स्थान पर रखा गया था। ये पहली बार था जब यह नाम वेबसाइट के चार्ट पर दिखाई दिया था। बेबी सेंटर की प्रबंध निदेशक सारा बैरेट ने कहा कि हालांकि फिल्म की नायिका अन्ना है, एल्सा एक अधिक अनूठा नाम प्रदान करती है और एक मजबूत महिला रोल मॉडल भी है। कई नए माता पिता ने कहा कि उनके नाम का चुनाव भाई बहनों से काफी प्रभावित था।
डिज्नी यूके की उपाध्यक्ष एना हिल ने बाद में कहा, हमें खुशी है कि एल्सा बच्चों के लिए एक लोकप्रिय नाम है और यह सुनकर अच्छा लगा कि कई परिवारों के लिए ये वास्तव में उनके भाई बहन हैं जिन्होंने इसे चुना है, और एल्सा का अपने डर पर काबू पाने की लड़ाई और पारिवारिक बंधन की शक्तिशाली ताकत कई परिवारों के लिए प्रासंगिक थी। 2014 के साल के अंत में गूगल की सूची में फ्रोजन साल की सबसे ज्यादा खोजी गई फिल्म थी। गूगल प्ले स्टोर पर फ्रोजन और इसके साउंडट्रैक को साल की फिल्म और एल्बम का नाम दिया गया सबसे ज्यादा बिकने वाले शीर्षक। राइटर्स गिल्ड फाउंडेशन ने फ्रोजन को 2010 की फिल्म और टेलीविजन की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कठोर रूप से स्थापित कहानी और चरित्र ट्रॉप्स को तोड़ती है। फ्रोजन अकादमिक बहस का खजाना का विषय भी बन गया, जिसमें फिल्म के सौंदर्य शास्त्र, औद्योगिक महत्व और लिंग राजनीति पर चर्चा करने वाले कई अकादमिक प्रकाशन शामिल थे। ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय ने 12 मई 2015 को सिम्फ्रोजियम नामक एक शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे ब्रिटिश समाचार मीडिया ने कवर किया। जनवरी 2014 में आइगर ने घोषणा की कि फ्रोजन को ब्रॉडवे संगीत में रूपांतरित किया जाएगा। एक व्यावसायिक तिमाही में आइगर फ्रोजन की फ्रेंचाइजी क्षमता फरवरी 2014 में के बारे में बोलने से आगे बढ़ गए 13 से ये कहने तक कि यह शायद डिज्नी की शीर्ष 5 फ्रेंचाइजी में से एक थी। मई में फिल्म की लोकप्रियता के कारण अप्रैल 2014 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य औद्योगिक देशों में माल की कमी हो गई, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले सीमित संस्करण वाले फ्रोजन गुड़िया और पोशाकों की पुनर्विक्रय कीमतें ईबे पर $1,000 से अधिक हो गई। नवंबर 2014 की शुरुआत में जब माल की कमी का समाधान हुआ, तब तक डिज्नी ने उत्तरी अमेरिका में 3 मिलियन से अधिक फ्रोजन पोशाकें बेच दी थी। फरवरी 2014 में डिज्नी पार्कों में मिलने जुलने के लिए प्रतीक्षा समय नियमित रूप से 4 घंटे से अधिक हो गया, जिससे प्रबंधन को अस्थायी प्रचार के रूप में मूल रूप से जो इरादा था उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। डिज्नी पार्क्स ने डिज्नी के हॉलीवुड स्टूडियो में फ्रोजन समर फन का मंचन किया और 12 सितंबर 2014 को घोषणा की कि एपकोट के नॉर्वे मंडप में मेलस्ट्रॉम की सवारी बंद कर दी जाएगी और इसकी जगह फ्रोजन आधारित आकर्षण होगा, जो 2016 की शुरुआत में खुला। 27 मई 2016 को डिज्नी कैलिफोर्निया एडवेंचर के हाइपारियन थिएटर में अलादीन की जगह एक लाइव फ्रोजन म्यूजिकल स्टेज शो खोला गया। अगस्त 2014 तक रैंडम हाउस ने फ्रोजन से संबंधित 8 मिलियन से अधिक किताबें बेच दी थी। वंस अपॉन ए टाइम डिज्नी के स्वामित्व वाली एबीसी स्टूडियो द्वारा निर्मित किशोरनज ने श्रृंखला के चौथे सीजन में फ्रोजन से प्रेरित क्रॉसओवर स्टोरी आर्क के लिए एबीसी और डिज्नी से प्राधिकरण प्राप्त किया और उसे प्राप्त किया, जिसे सितंबर से दिसंबर 2014 तक प्रसारित किया गया था। एबीसी ने उस वर्ष 2 सितंबर को द स्टोरी ऑफ फ्रोजन मेकिंग ए डिज्नी एनिमेटेड क्लासिक 1 घंटे का मेकिंग ऑफ स्पेशल प्रसारित किया। लेसेटर ने प्रसारण के अंत में घोषणा की कि प्रोडक्शन टीम फ्रोजन फीवर बनाने के लिए फिर से एकजुट होगी, जो एक लघु फिल्म है जो 13 मार्च 2015 को डिज्नी की सिंड्रेला के साथ सिनेमाघरों में शुरू हुई थी। 4 सितंबर 2014 को फेल्ड एंटरटेनमेंट के डिज्नी ऑन आइस एबीसी पर द मेकिंग ऑफ फ्रोजन रिटर्न टू अरेंडेल के प्रसारण के दौरान ये घोषणा की गई थी कि ओलाफ्स फ्रोजन एडवेंचर नामक एक हॉलीडे स्पेशल का निर्माण किया जा रहा है और इसे 2017 की सर्दियों में रिलीज करने की योजना है। जून 2017 में जॉन लेसेटर ने कहा कि 21 मिनट के विशेष कार्यक्रम के बजाय सीमित समय के लिए सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फीचर फिल्म का प्रीमियर 22 नवंबर 2017 को पिक्सर के कोको के साथ सिनेमाघरों में हुआ और 14 दिसंबर को एबीसी पर इसका टेलीविजन पर डेब्यू हुआ। अरेंडेल 2019 के वीडियो गेम किंगडम हार्ट्स 3 में एक दुनिया थी जो फिल्म के कथानक को अनुकूलित करती है। फ्रोजन के वॉयस कास्ट ने गेम के लिए अपनी भूमिकाओं को दोहराया। फ्रोजन 2 एक फीचर लेंथ सीक्वल 22 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया था। इसने बॉक्स ऑफिस पर पहली फिल्म से अधिक कमाई की और इसे सकारात्मक आलोचनात्मक और दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली। तीसरी और चौथी फिल्में 2023 में विकास में थी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।